अब खबर आगरा के थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र से है। बता दें कि थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के गांव नदगवा में आत्महत्या करने वाले दंपत्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में दंपत्ति ने की थी आत्महत्या। 28 दिन पूर्व एक ही फंदे पर लटक कर की थी आत्महत्या। दंपत्ति ने एक ही फंदे पर फांसी लगा कर दी थी जान। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नीरज परिहार के साथ। जी नीरज, इस मामले में क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आया, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर आई है? जी देखिए अंजलि, जिस प्रकार से मामला सामने आया है और जो थाना खेड़ा राठौर है और खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र का ये मामला करीब 28 दिन पहले का है, जहां एक दंपत्ति ने अपने घर में ही एक साथ आत्महत्या कर ली थी और ये आत्महत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस द्वारा इस दोनों पत्नी के शव का पोस्टमार्टम कराया था, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं एक महीने बाद ये जो दंपत्ति का एक साथ जो वीडियो बनाया था, वो आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सीधा तौर पर, वो वायरल वीडियो में कहा गया है कि जिसका हमारी मौत का सीधा जो जिम्मेदार है और हम आत्महत्या कर रहे हैं, उसका पूरा जिम्मेदारी हमारे चाचा की लड़की की हुई, इसे सजा मिले, इस तरीके का उसमें बयान आया है। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जिसमें पूरे मामले में जुट गई है। जी नीरज, जिसमें पुलिस का अब तक क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुलिस ने इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी, उसके बाद इसकी जांच में जुट गई थी और जांच के बाद जब इसमें मुकदमा दर्ज करने की जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद अब आगे का मामला जब जब वीडियो वायरल हुआ है और एक कहानी अलग बदल गई है और इसमें पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जो है पूरी तरह से जाँच करके आगे की कार्रवाई में लग गई है। ये कब का वीडियो है, कितने दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो? बिल्कुल, ये जो घटना है वो 28 दिन पहले की, करीब 28 दिन पहले की ये घटना है और घटना में जो है एक ही जो घर के अंदर दंपत्ति ने एक ही फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की थी और उसके बाद ये वीडियो जो करीब एक महीने बाद अभी 3 दिन पहले ये वायरल हुआ और वायरल होने के बाद ये पूरा जो है हड़कंप मचा। इसके बाद जी नीरज, इसमें परिजनों और जो क्षेत्रीय लोग हैं इस पर उनका क्या कहना है, क्यों इन लोगों ने आत्महत्या की, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से वीडियो सामने आया और वीडियो में साफ तौर पर कहा गया कि वो उनके जो चाचा का लड़का है और वो जो उनकी आत्महत्या का कारण जो उनका चाचा का लड़का बताया गया, जो उन्होंने अपनी शर्म और बेइज्जती जो महसूस की और उसके बाद जो उन्हें सम्मान की स्थिति नहीं दिखी तो उन्हें जो है आत्महत्या करके अपनी एक ही फांसी के फंदे पर लटक गए। जी नीरज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आत्महत्या करने वाले दंपत्ति का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में दंपत्ति ने 28 दिन पूर्व की थी आत्महत्या, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दंपत्ति ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर की थी दी थी जान। पुलिस ने दंपत्ति के शवों का पोस्टमार्टम कराया था। आत्महत्या से पहले दंपत्ति ने एक वीडियो बनाया जो काफी वायरल हुआ। चाचा के लड़के को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार परिजनों द्वारा बताया जा रहा है। इस मामले में फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस कारण से हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में कड़ी सजा दिए जाने की गुहार लगाई जा रही है। जिस चाचा के लड़के को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसको अब कड़ी सजा दिलाने की इस वीडियो में मांग की गई थी। थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के गांव नदगवा का यह मामला है, जिसमें पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 28 दिन पूर्व का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दोनों ही दंपत्ति नजर आ रहे हैं। बता दें कि आत्महत्या करने वाले दंपत्ति का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो 28 दिन पूर्व का है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।